इसमें लुमान अस्सलाम वालेकुम काशक भाइयों अगर आपका किनो माल्टा लीम संतरा ग्रेफ्रूट का अगर आपका बाग है तो आपने अप्रैल के महीने के अंदर कौन कौन से काम करने हैं ताकि आप अपनी अपने बाग़ से एक भरपूर पैदावार ले सको इसके बारे में आज हम बात करेंगे वीडियो आपके लिए है वीडियो आखिर तक देखिएगा काश् भाई अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौर सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुताबिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें काश का भाई सबसे पहले आपने इस अप्रैल के महीने के अंदर क्योंकि इस वक्त फल जो है वो मटर के दाने के बराबर हो चुका होता है तो आपने नाइट्रोजनी खाद की दूसरी किस्त जो है वो अपने बाग के अंदर डाल दें क्योंकि नाइट्रोजनी खाद ने खादें जो है वो बाग के लिए बहुत अहम होती हैं फल की बढ़ोतरी के अंदर फल की क्वालिटी बनाने के अंदर नाइट्रोजनिक खादों का बड़ा अहम किरदार है तो काश कभी आपने नाइट्रोजनिक खाद के अंदर आ जाती है यूरिया या फिर अमोनियम सल्फेट खाद आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर आपने अमोनियम सल्फ़ेट खाद इस्तेमाल करनी है तो आपने एक किलोग्राम फ़ी पौधा आपने डालनी है और अगर आप यूरिया खाद डालने लगे हैं तो फिर आप आधा किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम फ़ी पौधा जो है वो आप यूरिया खाद इस्तेमाल करोगे आपके पौधे की उम्र जो है वो पाँच से दस साल पाँच साल से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आपका पौधा छोटा है यानी कि दो तीन चार पाँच साल का है तो फिर आप जो है वो अमोनियम सल्फेट एक पाव से ले कर आधा किलो पाँच सौ ग्राम तक इस्तेमाल करोगे इसी तरह यूरिया जो है वो आप दो सौ पचास ग्राम यानी एक पाव इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी होती है वो भी खाद डालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जो है वो अपने बाग से जड़ी बूटियों का सफाया कर लेती हैं गोडी करके आप ज़मीन को भुरभुरा करने के बाद उसके आप उसके बाद जो है आप, आप दायरे की शक्ल के अंदर जितना हमारा पौधा होता है उसकी दायरे की शक्ल के अंदर थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं उसके अंदर आप खाद डाल दोगे और उसे मिट्टी के साथ मिक्स कर दोगे और उसके बाद आप पानी लगा दोगे आपने एक चीज़ का खास ख्याल ये रखना है कि खाद जो है वो आपने पौधे के तने से आपने एक, एक दो फुट दूर करके डालनी है काश कभी इस तरह से आपने नाइट्रोजनिक खाद की जो दूसरी किस्त है वो डाल देनी है अप्रैल के महीने में काश कभी इसके अलावा जो है आप अप्रैल के महीने के अंदर अज्जा सगीरा जो होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि जिंक बोरान मैंगनीज वग़ैरह जो है उनका आपने क्या करना है कि 100 100 लीटर पानी के अंदर आप 200 ग्राम कॉपर सल्फेट 200 ग्राम मैंगनीज़ सल्फ़ेट 200 ग्राम जिंक सल्फ़ेट 200 ग्राम आयरन सल्फ़ेट यानी कि फ़ेरस सल्फ़ेट और 50 ग्राम जो है वो आपने बुरैक्स लेना है इन इन चार पांच चीज़ों को आप 100 लीटर पानी के अंदर इसका महलोल तैयार करोगे और स्प्रे कर दोगे अपने बाग के ऊपर तो काश को इस तरह से आप अज़ाय सग़ीरा जो है वो सारे के सारे अपने बाग को दे रहे होंगे तो आशो इसके अलावा आपने क्या करना है कि अप्रैल के ही महीने के अंदर रस चूसने वाले कीड़े जो हमारी बाग के ऊपर हमलावर हो रहे होते हैं उनका आप स्प्रे भी करवा दोगे अब अगर कीड़ों की बात की जाए तो आम तौर पर सट्रस के बागा के अंदर तशावा फलों के बाग़ा के अंदर सिट्रस सिल्ला जो है वो हमला करता है इसके अलावा लीफ माइनर हमला कर रहा होता है इसके अलावा जो है वो लेमन बटरफ्लाई हमलावर हो रही होती है इसके अलावा सिट्रस एफिड हमलावर हो रहा होता है तो काश ये चार पांच जो कीड़े हैं इन सब को आप एक ही दवाई के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और वो है बाईफेंथ्रीन बाईफेंथरीन एक मिली लीटर फी लीटर पानी के अंदर आप इसका इसे हल करके मैलूल तैयार करोगे यानी कि सौ लीटर पानी के अंदर 100 एम जो है 100 मिलीलीटर आपने बाईफेंथरीन डालनी है इसका आप मैलूल बना के इसका आप अपने बाग के ऊपर स्प्रे कर दोगे तो इन सारे कीड़ों से आप निजात हासिल कर लोगे काश कभी इसके अलावा हमारे तरशावा बागात जो होते हैं उसको ऊपर थ्रिप्स का हमला भी होता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाता है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरफीना पैर का स्प्रे करोगे क्लोरफिना पैर जो है वो आपने मकदार की बात की जाए तो एक मिली लीटर एक लीटर पानी के अंदर यानी कि सौ मिली लीटर आपने सौ लीटर पानी के अंदर हल करके इसका आपने स्प्रे करो है अपने बाग के ऊपर काश का भैया इसके अलावा इसी महीने के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर आपने सिट्रस कैप जो बीमारी होती है उसका स्प्रे भी कर देना है क्योंकि सिट्रस कैप जो है वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है सिट्रस की हमारे तरशावा जो फल होते हैं उनकी जो जिल्द है वो खुदरी हो जाती है क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है फार्मर जो होते हैं किसान को बहुत ज़्यादा माशी नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है तो अगर आप इस सिटस कैप की बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको इस महीने के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर जब फल का फल जो है वो मटर के दाने के बराबर हो गया तो उसी वक्त आप जो है वो अच्छे फंजी का फुपोदी कुछ जहर का स्प्रे भी करा दें अब अगर जहर की बात की जाए तो डाइफिनाकोनाजोल जो है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं ज़ीरो पॉइंट जीरो इशारिया पाँच मिली लीटर फी लीटर पानी के अंदर हल करके ये आप इसका स्प्रे कराओगे यानी कि पचास मिली लीटर सौ लीटर पानी के अंदर हल करके आप इसका अपने बाग के ऊपर स्प्रे करोगे इसके अलावा आप जो है सिट्रस कैप को कंट्रोल करने के लिए थायोफनेट मिथाइल जहर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो ग्राम फी लीटर पानी हल करके इसका आप स्प्रे कराओगे तो सिट्रस कैप वाली बीमारी से आप अपने अपने बाग को बचा लोगे काश कभी अप्रैल के महीने के अंदर ही आपको अपने बाग के अंदर जो है वो बोर्डो पेस्ट जो है तने के ऊपर लगा देना चाहिए अब बोर्डो पेस्ट बनाने के अगर तरीके की बात की जाए कि आपने किस तरीके से बनाना है तो आपने क्या करना है कि दो बाल्टियाँ लेनी है प्लास्टिक की बाल्टियाँ लें या टब ले लें ले प्लास्टिक के दोनों के अंदर छः छः लीटर पानी डा, पानी डालें एक बाल्टी के अंदर जो है वो एक किलोग्राम नीला थोथा डाल दें चार से पाँच घंटे पहले ताकि वो अच्छे तरीके से हल हो जाए और दूसरी बाल्टी के अंदर चार से पाँच घंटे पहले आपने दो किलोग्राम चूना डालना है इन दोनों चीज़ों को आपने चार से पाँच घंटे पहले डालना है इसके बाद आप इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके इन महलूल तैयार कर लें फिर उसके बाद आप चूने वाले पानी के अंदर नीलत होते वाला पानी ऐसा ऐसा जाएं तो ये बोर्डो पेस्ट तैयार है, है। काशको तो काश इसके अलावा आपने अप्रैल के महीने में क्या करना है कि गैर जरूरी बढ़ोतरी वाली जो, जो शाखें होती हैं उन सबको काट दें खासतौर पर जितनी भी नई शाखें निकली हैं उन सबको जड़ों से जितनी शाखें निकली सबको काट दें काश को खाद के तौर पे आप अपने बाग के अंदर फसल का इंतखा कर लें कि कौन सी फ़सल आपने लगानी है इसके लिए जंतर रवा की फसल गवारा की फसल या फिर मूंग और माश की फसलें ये बेहतरीन है काश्त करने के लिए इन फसलों को आप अपने बाग के अंदर काश्त कर सकते हैं और आप अपनी और आप जो है अपने बाग से भरपूर पैदावार भी हासिल कर सकते हैं उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अपना ख्याल रखिएगा